तो यहाँ पे स्केच नंबर वन में जो आर्टिस्ट है उसके पास सब कुछ है, वो एक स्टूडियो में है, उसके पास कैनवास है, कलर है, पेंसिल है, पेपर है, सब कुछ है, लेकिन वो उदास बैठा है, वो हिम्मत हार चुका है, उसको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसको पेंटिंग के लिए कुछ आइडिया भी नहीं आ रहा है, उदास बैठा है, दुखी है। लेकिन स्केच नंबर टू में जो आर्टिस्ट है वो कुछ कर रहा है, उधर ही सिर्फ पेंसिल और पेपर बुक लेके बैठा है, स्केच बुक लेके बैठा है, और उसको जो दिख रहा है वो कर रहा है, अपने स्टेप कुछ ना कुछ कर रहा है, स्टेप ले रहा है, छोटे छोटे स्टेप ले रहा है, तो यहाँ पे वो खुश है। तो इससे हमें क्या समझ आता है, हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हमसे नहीं हो पाएगा, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे अलावा कर कौन पाएगा। जब ऐसे आप सोचने लगोगे तब आप जाके आपको रास्ते दिखेंगे और आप वहां पे कुछ कर पाओगे, काम कर पाओगे, आपको आइडियाज आने लगेंगे और आप खुश रहोगे। काम पूरे एनर्जी के साथ हो, लेट्स ग्लो।